बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान चल रहा है जी और पाकिस्तान में छुट्टी चल रही है, तो सैरी करें और आराम करें, यही चल रहा है जी। बाज़ार में जाएंगे ऐसे फल फ्रूट के लिए, वो वीडियो आपसे शेयर कर चुका हूँ मैं फर्स्ट रमज़ान की। आप यकीन करें यार, मैं आपको ये न्यूज़ भी जो बताने वाला हूँ ये बता देता हूँ, आप यकीन करें। मैं आपको नींबू के मुतल्लिक बता दूँ, 50 रुपये का पाव था चाइना का, और देसी नींबू जो पाकिस्तानी है वो 70 रुपये का पाव था रमज़ान से पहले मैं लेके आया हूँ। अभी रमज़ान में 70 या 80 रुपये का पाव हो चुका है जी चाइना का, और अगर आप देसी नींबू लेते हैं तो 120 या 130 रुपये पाव, यानी कि 500 रुपये वो बोल रहे थे किलो हो चुका है जी देसी नींबू जो है वो। इतनी में जहाँ पर 120-130 हो चुका है, कहाँ वो पहले भाई 70 था। आप महंगाई का अंदाज़ा खुद से कर सकते हैं। बहरहाल न्यूज़ के मुतल बात कर लेते हैं, सऊदी खवातीन की चीखो पुकार, इसके मुतल आपको बता दूंगा मैं। साथ में आपको वीडियो पहले मैं दिखा दूं, वीडियो क्लिप दिखा दूं, आप खुद से सुन भी लें, उसके बाद आपको बता दूं मैं हुआ क्या और इस बंदे के साथ क्या हुआ। फिर देख लिया जी आपने, ये वीडियो क्लिप था एक। ये हुआ कुछ यूं कि ये खवातीन जो थी ये गाड़ी में बैठी हुई थी, इनको ये बंदा बार बार तंग कर रहा था, इन्होंने पीछे गाड़ी की ब्रेक लगा ली, लेकिन ये बंदा बैक गाड़ी लेके आया, इनको टक्कर लगाई, उसके बाद गाड़ी सीधी करके भी इनको टक्कर लगाई है। ठीक है, इन खवातीन ने शोर मचाया है, वीडियो बना ली साथ में इसके, ये अच्छा कर दिया। उसके बाद हुआ कुछ यूं कि इन खवातीन को तो क्या बोलना था, किसी ने क्या पकड़ना था, लेकिन इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपको साथ में पिक्चर दिखा रहा हूँ उस बंदे की अभी साथ में, जिसने खवातीन को, अच्छा इसके ऊपर यही मान सकते हैं आपको, खवातीन को हरासा किया गया है, जो सीधी सिंपल सी बात है। अगर बात करें ये मेंटली तौर पर ठीक नहीं होगा, ये क्लियर बात है, नहीं तो खवातीन को ऐसे रोड के ऊपर कौन बैठकने लगाएगा। और उसके अलावा अगर ये मेंटली तौर पर ठीक भी हो या ना भी हो, तो इसके ऊपर भाई अच्छा खासा फाइन और इसको अच्छी खासी जेल होगी। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, किसी भी खातून को खासकर ड्राइविंग करते हुए आप तंग करते हैं, हरासा करते हैं, तो आपको 1 साल से 5 साल की कैद हो सकती है और 1 लाख से 5 लाख रियाल तक का फाइन हो सकता है। ये अपने जहन में रखिएगा।